हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का ये पांचवा क्लास है, जो कि नाउन का अभी क्लास चल रहा है उसका पांचवा क्लास है। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे इस क्लास को। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे वहाँ आपको जूम ऐप का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी देर हो गई है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। दिख रहा है स्क्रीन? जी जी भैया, ठीक है, चलिए हम लोग क्या क्या देख चुके थे कल, कुछ रूल्स एंड जो भी रूल्स थे। हाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा था, उसके बाद सिंगुलर और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर ग्रुप वर्ब। में मैसेज है अभिषेक कुमार यादव, सर नींद आ रही है, सॉरी आज क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, सिंगुलर के साथ यूज होता है ये। कुछ नाउन्स दिखने में प्लुरल लगते हैं, रूल्स 2 तक हम लोग देख चुके थे, रूल्स 3 से देखना था, है ना। जी देखिए जी तो जैसे कुछ नाउन्स मैथमेटिक्स प्लुरल लगते हैं, जैसे न्यूज था, पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स फिजिक्स है, ये सब क्या इकोनॉमिक्स है, दिखने में बस प्लुरल फिजिक्स है मतलब लेकिन ये प्लुरल एक्चुअल में है नहीं नहीं। है, ठीक है, सिंगुलर। ओके, एक और था, ये सब देख लीजिएगा, पॉलिटिक्स, समन्स, रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। रिवीजन बुक से आपको करना है, बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो वीडियो वहां से अपलोड है चैनल पे, देख लीजिएगा। अच्छा, आज मैं क्लास से पहले ये सभी कर रहा था, आपका हिंदी ग्रामर का जितना क्लास है उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ हिंदी व्याकरण के नाम से, और इंग्लिश ग्रामर का अलग प्लेलिस्ट अच्छा बना दिया हूँ इंग्लिश ग्रामर के नाम से। ठीक है, जैसे नाउन की 4 क्लासेस है वो आपको इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो भी इंग्लिश ग्रामर के ऐड होगा उसमें ऐड होता चला जाएगा, और बाकी एसएससी ठीक जीएसटी 2023 वाले प्लेलिस्ट में एक साथ सब है, हिंदी उसके बाद इंग्लिश, जैसे जो जो कंटिन्यू होता चलेगा उसमें भी ऐड होगा। तो जो लोग हिंदी नहीं देखे होंगे ना, तो हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में हिंदी पूरा देख लीजिएगा सारा जितना भी है व्याकरण का, और इंग्लिश ग्रामर का भी चलेगा, तो अलग कर दिया, दिखने में आसानी होगा। ठीक है, रूल्स 3 पे आते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं। अच्छा देखिए, वहां पे प्लूरल लगते थे लेकिन होते क्या थे, सिंगुलर। सिंगल अब यहाँ पे कुछ लगेंगे कि सिंगुलर है लेकिन वो होगा क्या, जी प्लूरल भैया, प्लूरल में यूज होगा, प्लूरल होगा, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे देखिए, अब प्लूरल कैटल, कैटल किसको कहते हैं, मवेशी मवेशी हाँ मवेशियों का झुंड, ठीक है, मवेशियों का झुंड। कैवेलरी, कैवेलरी किसको कहते हैं, आर्मी जो घोड़े पर हाँ घोड़े पर फाइट जो सवार करती है सैनिक उसको होते कहते हैं, घुड़सवार सैनिक हैं, होते हैं, उन्हें हाँ इन्फेंट्री ठीक है, इन्फेंट्री क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री बटालियन ये होता है ना, ये इन्फेंट्री सेना का आर्मी जो होती है एक तरह की, जो पैरों से मतलब लड़ती है, मतलब पैरों से लड़ती क्या, पैदल सेना कह पैदल सकते हैं उसको, पैदल चाल, पैदल सेना, सेना। पैदल ठीक है, सेना भैया, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म सुने होंगे आप लोग, पोल्ट्री फार्म, जो भी जी मुर्गी कार्निवोरस यहाँ पे पालन। बैठे हैं सब सुने होंगे। ठीक है, पिजेंट्री, पिजेंट किसानों के, को कहते हैं, हाँ पिजेंट तो किसानों को कहते हैं, पिजेंट्री क्या हो जाएगा देखिएगा, गूगल करिएगा, किसानों का समूह भैया, किसानों को पिजेंट्री वो कहेंगे, हुआ या उसके मवेशियों का समूह समूह, देखिएगा एक बार कंफर्म करिएगा, पिजेंट किसानों से रिलेटेड है। को चिल्ड्रेन, देखिए चिल्ड्रेन तो मालूम है, एक होता है बच्चों चाइल्ड, सिंगुलर फॉर्म होता है चाइल्ड, चाइल्ड, बच्चे हाँ, और चिल्ड्रेन हो गया उसका प्लूरल फॉर्म। जेंट्री, बच्चे, पुलिस, ओ भाई पुल्स जी आ भैया, गए, पुल्स। जेंट्री मतलब अभी जेंटलमैन, जेंटल किसी भी समाज के पंजाब में जेंटल, देखे थे ना खालिस्तानी वाला, ओ भाई पुलिस आ गई, पुल्स पुल्स पुलिस आ गई। ठीक पुलिस सारा है, बैन हो वही है। गया। हाँ, गिरफ्तार हुआ कि नहीं वो, नहीं भैया, अभी शायद नहीं, अभी चल रहा है, उसकी चल सर्च रहा हो है, रही है, धारा चले ठीक एक सौ है। चौवालीस लगी शायद। पीपल, ये क्या है, लोग, जनता, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, जी पीपल इज नहीं होगा, क्या होगा हमेशा, पीपल प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। अब देखिए, इनका प्रयोग इसके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जा सकता, जैसे पीपल्स नहीं कह सकते, ठीक है, पीपल, इन्फेंट्रीज नहीं कह सकते, कैवेलरीज नहीं कह सकते, बस समझ रहे ये हैं, अपने आप में प्लूरल है जी, हाँ, जी ये जो क्या है, एक सौ तो पचास के बाद देखने सीधा में 200 ही सिंगुलर है होता है इधर। प्लूरल। अच्छा, यहाँ एडिट कर सकते हैं, 76, हाँ अब ठीक है, ये दिखने में बस, कभी जी भी एस का प्रयोग इनका नहीं सिंगुलर, होता, जैसे
कैटल्स चिल्ड्रेंस लिखना गलत है, चिल्ड्रेंस नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन है। क्लियर है? जी भैया, जैसे हिंदी में इससे याद आ गया, एक बराबर पूछा जाता है बहुत एग्जाम में कि भगवान के अनेकों नाम हैं, ये वाक्य सही है कि जी गलत है? गलत क्या होगा इसमें? अनेक शुद्ध नाम है भगवान शुद्ध शुद्ध क्या होगा इसमें? के, अनेक अनेक नाम है। नाम है, हाँ अनेक वही चीज है, अनेक का अनेको नहीं नाम होता है। ठीक है, है, अब यहां देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। होता ठीक है, है। हम ऐसा नहीं सही लिख सकते कि कैटल इज ग्रेजिंग। सही कैटल का क्योंकि मतलब क्या प्लूरल है होता है? तो नहीं। मवेशी, मवेशी होता है ना, हाँ मवेशियों। इसलिए जब एक साथ दो मतलब चरना ज्यादा का ये बोध हो कि मवेशी क्या है, चर रहा है घास इस तरीके से मैदान फील्ड में, खेत में। ठीक है, अगला देखते में। हैं। जी आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। हमारी पैदल सेना क्या की? आगे की मार्च तरफ, कूच मार्च की। कूच कह सकते हैं, मार्च कूच कूच करना, कर रही है, मार्च करना। ठीक है, मार्च मतलब आगे बढ़ रही है, कूच करना आगे एक तरीके बढ़ना, से, आगे आगे बढ़ना। हाँ वही कहते हैं बढ़ इन्फेंट्री। अब रही देखिए है। इन्फेंट्री के साथ यहाँ पे अगर प्लूरल हैव क्या है, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है? प्लूरल 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 है। है, ठीक प्लूरल है। ठीक है, है, आई हैव, यू हैव, दे हैज हैव, आपका, ये सब हाँ प्लूरल, हाँ ठीक है। ही सी इट के साथ ही हैज चूंकि लगेगा, देखिए इन्फेंट्री क्या है, इन्फेंट्री कुछ नाम है, यानी प्लूरल। थर्ड पर्सन, ये जी कौन सा है? इन्फेंट्री क्या है? थर्ड पर्सन, थर्ड थर्ड पर्सन होगा और ये प्लूरल हो पर्सन जाएगा। प्लूरल में जी। हैव लगाते हैं जब भी उसका प्लूरल फॉर्म लगाना होगा। तो चलिए, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। यहां देखिए पुलिस हैज नहीं हमने लिखा क्योंकि पुलिस हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, इसलिए हमने हैव नहीं का यूज किया। किसी को यहां पे कोई दिक्कत? नहीं चलिए देखिए, पीपल का अर्थ है लोग, पीपल्स का अर्थ है विभिन्न मूल वंश, डिफरेंट रेसेस के लोग। इसमें कुछ खास नहीं है, मेनली आपको इसको यही ध्यान रखना है कि पीपल के साथ प्लूरल में ही दा यूज होगा। पीपल कर देगा तो दे हाँ पीपल, कोई दिक्कत नहीं है। द पीपल, तो फिर ये नहीं देखिए तो द पीपल कर देंगे, यानी लोग, द कब समाज के लगाते लोग, हैं? समाज के लोग, किसी खास, जब हम डिनोट करेंगे किसी को, द का पार्टिकुलर मतलब वही लगाते हैं ना, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे तब। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे कहते हैं ना। चलिए अगला रूल है हमारा, रूल नंबर 4, देखिए क्या है। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने क्या पढ़ा था वहां पे? सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर था, प्लूरल था, क्या था जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पे क्या सिंगुलर था? सिंगुलर वर्ब था वहां पे। सिंगुलर ठीक है, और काउंटेबल में क्या है? दोनों है, किस हिसाब से हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जैसे मनी था, टाइम था, नॉलेज, ये सब क्या है? हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, तो कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इनके साथ ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। हमने देखा था ना, अनकाउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं कर रहे, नहीं नहीं करते। किया था। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, ये सब देख रहे थे, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन ये इसके, सब सॉरी सिंगुलर अनकाउंटेबल वर्ब यूज होगा इसके साथ। नाउन, ए एन अनकाउंटेबल नाउन द इसका यूज नहीं लगेगा, नहीं नहीं करेंगे। होगा। मिस्चीफ, ब्रीड, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्या है? लगेज है, बैगेज। बैगेज क्या होता है? बैगेज मतलब होता है आपका जो सामान, सामान, और लगेज सामान मतलब हाथ जिसमें सामान रखा सामान, जाता, सामान रखते हैं दोनों जो वही हुआ एक सामान। तरीके से। नॉलेज, ठीक है ठीक है, वेस्टेज, हाँ ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट। अच्छा हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका आता है, मैं देखा हूं इस चीज को। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स नहीं इक्विपमेंट, होगा, इक्विपमेंट इक्विपमेंट होगा ठीक है, ये हमेशा क्या है? इसका सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। इक्विपमेंट्स, ऑल द इक्विपमेंट्स नहीं कह सकते, इज नॉट वर्किंग, इक्विपमेंट। ऑल द इक्विपमेंट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, यहां इसका प्रयोग मेनली सिंगुलर में ही किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहीं पे इक्विपमेंट्स दिया हो उसको नहीं, ध्यान रख।
गलत वो हो जाएगा। वर्क्स का अर्थ साहित्य लेख, देखिए वर्क यहाँ पे क्या है, साहित्य से मतलब है कि उसका काम। इविडेंस, इविडेंस को क्या कहते हैं, इविडेंस मतलब होता है सबूत। एग्जैक्ट वर्ड बताइए हिंदी। सबूत 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 साक्ष्य ऐसे कहते हैं। हाँ साक्ष्य सबूत ठीक है। और कटघरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताया था मैंने किसी ने, तो बोलते हैं उसको क्या बताते हैं, कटघरे को बोलते हैं अरे विटनेस बॉक्स गले में में भैया, विटनेस बॉक्स विटनेस बॉक्स ध्यान रखिए। चलिए देखिए अब यहाँ अभी पे अभी सर इसमें बोला आपने एन और ए और एन और द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने सीनरी के पहले द जैसे लगाया है तो ये एडजेक्टिव कवर करेगा क्या? द सीनरी क्या कह रहा है, दसी इसमें सिर्फ ए एन कह का रहे हैं प्रयोग सर नहीं होगा। ये देखिए ये रूल में लिखा है, जी। द बोल दिया क्या मैंने, ए एन का प्रयोग नहीं होगा इसके साथ, ठीक है। द वर्ड द सीनरी ऑफ कश्मीर, देखिए द यहाँ पे क्यों लगाया मैंने, सीधी बात है, द का यूज जैसे समझ रहे हैं किसी कश्मीर खास चीज को जब डिनोट किया जाएगा तब आप कहते हैं, जैसे अभी मीम चलता होगा देखे होंगे द बॉयज वाला, उसमें क्या है किसी खास ग्रुप के बॉयज को वो कहा जा रहा है कि इस तरह के लोग जो हैं एकदम से नहीं कहते हैं कि हम लोग सख्त लौंडे टाइप के, तो वो है द बॉय वहां पे, समझ रहे हैं। द लगा दिया हमने यानी स्पेसिफिकेशन उसका कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया किसी खास ग्रुप के बारे में बात करने लगे। यहाँ पे क्या है, द सीनरी ऑफ कश्मीर, कहाँ का सीनरी, कश्मीर का, कश्मीर की इसलिए द लगाया। इज वेरी क्योंकि चार्मिंग, चार्मिंग को क्या बोलेंगे, यहाँ पे चार्मिंग मतलब मनमोहक, मतलब बहुत मनमोहक लुभावना लुभावना या मनमोहक ठीक है मनमोहक मनमोहक। ठीक है। हिंदी इसका क्या, सिंगलर है तो सिंगलर वर्ड ये सिंगुलर है और इसका क्या है, ये जी है क्लियर बात अनकाउंटेबल नाउन और ये केवल सिंगुलर फॉर्म में जी ही यूज होगा। जैसे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, मुझे उसके पते के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं है, नहीं नो इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द मिसचीफ इंफॉर्मेशन कमिटेड बाय हिम इज शरारती क्या है, अनपार्डोनेबल, अनपार्डनेबल अच्छा पार्डन, पार्डन मतलब माफी होता है, माफी अनपार्डनेबल होता है मतलब माफी मतलब माफी माफी लायक योग्य नहीं है, माफी नहीं है नहीं किसकी है, है गलती हाँ उसकी गलती जो है या उसके माफी द्वारा लायक की नहीं गई है गलती माफी माफ माफी करने लायक योग्य माफी नहीं है, लायक नहीं है या अक्षम्य है कह सकते हैं अच्छा उसके, ये भी सही है इसको हाँ क्षमा करने अक्षम्य है, योग्य ना हो जी हाँ अक्षम्य वही है, ठीक है। हिज हेयर इज ब्लैक, अब कहेंगे हेयर तो बहुत है लेकिन यहाँ क्या है, ये सिंगुलर ग्रे में बोल एक साथ यूज सकते करते हैं हम लोग, ठीक है ध्यान रखिएगा। थे आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट, देखिए अब खरीदा ये क्या है, आई हैव बॉट सम डिपेंड इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करने के लिए मैंने जो प्रोजेक्ट करने की में जो जरूरत है वो मैंने कुछ इक्विपमेंट कुछ खरीदे हैं, इक्विपमेंट कुछ यंत्र खरीदे कुछ यंत्र खरीदे हैं, इक्विपमेंट तब कुछ मतलब ये देखिए एक से ज्यादा का बात हो रहा है लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ पे, इक्विपमेंट ही लगाए हैं, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। इक्विपमेंट वाला जी मैं देखा हूं कहीं क्वेश्चन रहता है। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, क्लियर मेंशन है इसका, बहुवचन हम नहीं कर सकते, नहीं जैसे बनाते सीनरीज नहीं कहेंगे, अगर कहीं है तो वो गलत है। अब देखिए सवाल गलत आपसे कैसा आएगा, सीनरीज इसमें वर्ड में कहीं आपको एडजस्ट करके दे देगा सेंटेंस में, इंफॉर्मेशन कहीं पे दे देगा, फर्नीचर्स हेयर्स ये सब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये वर्ड जो है एक दो बार इसको पढ़िएगा, सीनरी पोएट्री फर्नीचर एडवाइस इंफॉर्मेशन हेयर बिजनेस मिस्चीफ ब्रेड स्टेशनरी क्रॉकरी, क्रॉकरी तो वो होता है ना शीशे का बर्तन वगैरह कुछ ना, शीशे का हाँ सामान, क्रॉकरी प्लास्टिक वाला सामान हाँ क्रॉकरी का अच्छा, सामान लगेज प्लास्टिक बर्तन कप बैगेज कटोरी पोस्टेज नॉलेज वेस्टेज ज्वेलरी ब्रेकेज इक्विपमेंट वर्क एविडेंस, ये सब क्या है, फ्यूल कॉस्ट, ठीक है कॉस्ट भी नहीं है, देखिए ये कॉस्ट नहीं सारे कहेंगे, देखिए अनकाउंटेबल फ्यूल, ये सब क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है और ये अनकाउंटेबल है। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आवश्यकता हो, अब बात समझिए कि मुझे सिंगुलर में भी जरूरत पड़ सकता है उस वर्ड का, प्लूरल में भी जरूरत हो, ध्यान से सुनिए, तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, यानी कुछ वर्ड हम उसके आगे पीछे ऐड कर देंगे, वो वर्ड वही रहेगा जोड़ लेकिन हम उसके सकते साथ कुछ ऐड करके उसको जी सिंगुलर प्लूरल में यूज कर लेंगे। जैसे देखिए ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन की अगर बात कर ये रहे हैं इससे क्या सिंगुलर है, हुआ
ये सिंगुलर की तरह ट्रीट हो गया कि उसने मुझे एक जानकारी दी, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह दिया। ऑल पीसेस ऑफ, सर प्लूरल बनाएंगे तो ऐसे बोल सकते क्या? आगे प्लूरल देखिए ना, पीसेस, आगे अगला प्लूरल ही है। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। रिलायबल का होता है विश्वसनीय, 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 ठीक है। अनरिलायबल क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय। तो ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जितनी भी जानकारियां उसके द्वारा दी गई वह विश्वसनीय थी, ठीक है, गिवेन है, पास्ट फॉर्म में है, क्लियर है। तो यहां पे इंफॉर्मेशन क्या है? एज अ प्लूरल ट्रीट हो रहा है, बहुवचन के तौर पे यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, समझ में आ गया। ए पीस लगा दिए तो इंफॉर्मेशन सिंगुलर, उसके साथ कुछ वर्ड हम ऐड कर रहे हैं ना, देखिए ऑल पीसेज यहाँ पे ऐड कर दिए इंफॉर्मेशन के साथ, तो यहाँ पे प्लूरल की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर है। सूरज जी क्लियर हो रहा है? जी भैया, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, उस दुकान में फर्नीचर बहुत सारे फर्नीचर बहुत बहुत प्रकार के फर्नीचर उपलब्ध हैं, अवेलेबल को उपलब्ध कहते हैं। तो मेनी काइंड्स ऑफ, लेकिन हम नहीं कर दिए कि फर्नीचर्स, सीधा ऐसा नहीं लिख सकते थे इसको कि हाँ फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन दैट शॉप, नहीं कहेंगे। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, बहुत प्रकार के फर्नीचर, फर्नीचर वर्ड को हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। मेनी काइंड्स लगा दिए तो यहाँ पे प्लूरल कर इसी को सिंगुलर बनाएंगे, ए पीस लगा दें, ए पीस ऑफ, या फर्नीचर कह देंगे सीधा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, मुझे क्या है कुछ कुछ आर्टिकल चाहिए, मतलब कुछ आर्टिकल क्या आर्टिकल कहेंगे, चाहिए वस्तु, ज्वेलरी के, हाँ ज्वेलरी की कुछ वस्तु। वस्तुएं चाहिए। ही एट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, अब देखिए ब्रेड यहाँ पे क्या है, ब्रेड कहा था, ब्रेड क्या होगा, टुकड़े दो सिंगुलर, सिंगुलर की तरह ट्रीट सिंगलर। होता है ना। हाँ अब उसे हमें प्लूरल जी बनाना है, तो वहां पे दो टुकड़े कर दिए ना, स्लाइस, जैसे ब्रेड पकौड़ा खाते हैं एक का टुकड़ा करके एक के ऊपर बीच में आलू डाल के दे देता है सैंडविच टाइप, जी तो यहाँ पे क्या है, ही एट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी उसने जैसे कहा कि दो ब्रेड खाया, प्लूरल के तौर पे हमको बताना है, तो टू स्लाइसेस, दो टुकड़े कर दिया हमने, यानी कुछ वर्ड हम तो ये ऐड तो कर दिए। प्लूरल है ना सर, हाँ 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 ये प्लूरल हुआ जी हाँ प्लूरल है, बिल्कुल है, टू स्लाइसेस कर दिया ना, प्लूरल हो। जी प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, अब देखिए यहाँ पे स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है, सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, लेकिन हमें प्लूरल की तरह दिखाना है, तो सम आइटम्स ऑफ आइटम्स ऑफ स्टेशनरी के कुछ आइटम्स प्लीज मुझे दिखाइए, है ना। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक बाल कहीं से, जैसे कि अब जाते हैं ना कहीं पे वो करने, छानबीन एविडेंस, करने के, मर्डर केस है कुछ है, एविडेंस हाँ, तो मिला। पुलिस को क्या मिलता है, एक बाल का टुकड़ा कहीं मिला, तो उसको रखेंगे ऐसे हाँ करके, डीएनए टेस्ट करें, फिर बोलेंगे ये फॉरेंसिक, कार फॉरेंसिक वाला आया कि नहीं आया, फिर उसको देंगे, वहां से जाएगा, उसका ठीक है, डीएनए निकाल हाँ डीएनए टेस्ट करो, ये चीज है। इतना क्राइम पेट्रोल सब देखा है ना, क्राइम वाला वेब सीरीज, सबको मालूम चल गया है। सीआईडी, सीआईडी वाले भैया और ये मर्डर सब भी यही सब देख के भैया सीख लेता है। जैसे भैया चलिए, उनमें रील में दिखाया जाता है, ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं है भैया, अलग हाँ वो तो है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है लेकिन दिखाते नहीं, वो सत्य घटना से संबंधित ही होता है, हाँ प्रेरित होता है वो चीज, प्रेरित थोड़ा कभी पुलिस वहां पहले पहुंच लिख गई, देते, कभी इधर इसीलिए पहले पहुंच काल्पनिक गई। है, उसका जो डिस्क्लेमर होता है ना पहले लिख देते हैं, सब सत्य घटना से हाँ आधारित चलिए देखिए, आधारित है। तो अ स्टैंड यानी कि हमने हेयर को यहाँ पे क्या किया है, एक करने का, यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज करने का कोशिश किया है, ठीक है। मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है सम्स ऑफ मनी, देखिए मनीज, MONIES, स्पेशल केस, हालांकि मनीज मैंने तो नहीं देखा कहीं पे अभी तक, ये भी देखा नहीं है रूट, देखा। हाँ है ना, मनीज को देखा है क्या? नहीं, हाँ नहीं देखिए, मनीष नहीं होता है। मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर, ऐसे ठीक है, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम देखने को मिलता है, शायद ही कहीं, ठीक है। अगला रूल पे बढ़े, ये मनीष तो नहीं सकता। रूल 5 देखिए। अब कुछ नाउन्स प्लुरल एवं सिंगुलर दोनों ही रूप में एक होते हैं, यानी कि चाहे उसका सिंगुलर बनाओ चाहे प्लुरल बनाओ, वो वर्ड वहीं पे वैसे ही रहेगा। अगर उसके साथ वर्ब आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं, यानी कि वो सिंगुलर है, प्लुरल यूज कर दीजिए तो भी प्लुरल होगा, यानी उसके साथ कोई वर्ड हमें आगे या पीछे ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि इन सब में हमने किया है, ठीक है।
जैसे देखिए, डियर मतलब क्या हो गया, डियर का हिरण, मतलब हिरन, हिरण, और शिप, पेड़, शिप, पेड़ों सीरीज, की वो श्रृंखला श्रृंखला है ना। अब श्रृंखला देखिए कहाँ पे? सीरीज, सीरीज है ना, या अच्छा सीरीज, हाँ श्रृंखला। श्रृंखला हो जाता है। स्पीसीज, चाहती है स्पीसीज स्पीसीज आपके इसको वो बोलते हैं, बायो क्लास, में वर्ग। क्लास स्पीसीज जो होते हैं उसके अंदर, जैसे अरे वो तो हम समझ क्या रहे हैं कि बायो में इंग्लिश में ही पढ़ा है, नहीं वो हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, वर्ग कहेंगे क्या, स्पीसीज, जाति, जाति कह तो सकते हैं, कैटेगरी स्पीसीज, हाँ जाति जाति, कहते जाति, स्पीसीज। जाति कहेंगे। फिश, मछली, ये सब देखिए क्या ये ठीक सिंगुलर, फिश और फिश ये ऐसे सेम ही हो जाएगा। क्रू, क्रू मेंबर भीड़ नहीं कहते हैं, झुंड भीड़ क्रू क्रू, भीड़, क्रू चला रहा जत्था, टीम, ऐसा तो नहीं टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, बोला। कंसोल, कंसोल का देखिए क्या है, काउंसिल है सर, काउंसिल, सॉरी कंसोल कह रहे हैं, कंसिल, कंसिल, कंसिल नहीं काउंसिल है, कंसिल नहीं आपका है, अच्छा रह गया। कंसिल है, सी आई एल होता ना अच्छा कंसिल, तो कंसिल जी, है भाई, तो क्या इसको देखिए जरा क्या है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहेंगे, इसमें कुछ हमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखिए, आवर टीम इज द बेस्ट, यहाँ पे इज लगा है, यानी कि आवर टीम, टीम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर रुखसार जी बताइए, लेट से आई है क्या, इसका इसका जो है सर मतलब होता है किसी समस्या के विषय में क्या व्यावसायिक रूप से सलाह देना, है, क्या है कौनसेल का मतलब, ये देखिए ये इस किसी वर्ड का बता रहे किसी हैं। हाँ, समस्या किसी समस्या के विषय में व्यावसायिक रूप से सलाह देना, अच्छा, सलाह देना, सलाह जी परामर्श देना या सलाह देना। ठीक है। काउंसलर इसी अच्छा, बनाएंगे ये भैया, ओ काउंसलर या काउंसलिंग, इसी से बन गया। हाँ इससे काउंसलिंग बनेगा, वही हाँ सलाह हाँ देना या ठीक है। काउंसलर जो होता अब है। यहाँ पे देखिए, आवर टीम इज द बेस्ट, अब यहाँ पे इज लगा है, यानी कि आवर टीम, टीम, एक टीम टीम की ग्रुप, बात हो रही हाँ है, हमारे ही टीम के सारा बारे में बात हो रही है, एक जो कि एक संख्या में है। अब यहाँ पे देखिए, आवर टीम यहाँ पे सिंगुलर में है, यानी हमने क्या किया, वर्ब सिंगुलर लगाया, इज लगाया। अब आवर टीम को हम जी। प्लूरल की तरह यूज करके देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। आवर टीम आर ट्राइंग द न्यू यूनिफॉर्म, हमारी टीम क्या है, समझे नए गणवेश को, यूनिफॉर्म को क्या बोलते हैं, गणवेश ही कहते हैं ना सर, जी, आरएसएस में गणवेश कहा जाता है यूनिफॉर्म वैसे यूनिफॉर्म को। अब देखिए यहाँ यूनिफॉर्म का बिल्कुल मतलब है ना, भैया वही हो संग। हाँ संघ में। तो देखिए क्या है, आवर टीम आर ट्राइंग, अब देखिए हमें, हमारी टीम क्या है, कोशिश कर रही है नए यूनिफॉर्म को, और कोशिश क्या कर रहे हैं, मतलब ट्राई कर रही, क्या करेंगे, कोशिश नहीं करना होगा, मतलब पहन के देख रही है एक तरीके से। हाँ ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ कंफर्म ये होते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि यूनिफॉर्म और ड्रेस में, जैसे क्लास में जब थे हम लोग, तो कुछ लोग कहते थे सर कल, कल भी जैसे कि 15 अगस्त है या 26 जनवरी है ना, तो कहते थे कि सर कल भी ड्रेस में आना है, अब वो पूछते थे। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं, ड्रेस में नहीं आओगे, कुछ पहन के तो आओगे ना, ड्रेस हमारा होता है, हम जो भी ऊपर से नीचे तक पहनते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म पूछना चाहिए, वहां पे क्या सही वर्ड होगा कि सर क्या कल भी यूनिफॉर्म में आना है, यूनि, यूनि मतलब जैसा क्या है, समान, यूनिफॉर्म का मतलब वही होता है ना, सामान यूनिफॉर्म, एक समान, एक यानी जब जैसा सब लोग एक तरह के कपड़े पहनते हैं उसे यूनिफॉर्म कहें, ठीक है। जी तो ये होता है, ड्रेस का मतलब है आप कुछ भी पहन के चले आई, वो ड्रेस है आपका, तो ड्रेस में तो आना ही आना है, सभी लोग ड्रेस में ही आते हैं, लेकिन जब सभी का ड्रेस सेम हो जाए तो ये यूनिफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत सर, होइएगा। हाँ एक बार रिपीट और कर दीजिए ए और बी वाला। हाँ देखिए, आवर टीम इज द बेस्ट, यहाँ पे हमने आवर टीम को सिंगुलर की तरह यूज किया है। कैसे पता चला, क्योंकि टीम जो वर्ड है वो तो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम जी वर्ब को देखेंगे, जब वर्ड सेम रहे तो अच्छा, यहाँ पे इज जो हाँ तो होता वर्ब है वो क्या जी जी है, सिंगुलर है, और आर, हाँ आर होता है पे बिंदु, हैं, है हाँ है समझ रहे हैं, तो ये हो गया। जी तो यहाँ आर लग गया तो हम समझ गए कि आवर टीम, यानी कि एक से ज्यादा है। टीम की बात हो रही है। अच्छा जहां पर हमें पता ना चले तो वहां वर्ब को देख के हम बता सकते हैं कि अब पहचानेंगे देखिए, कि अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए अब यहाँ पे जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, ठीक है। अब जी। यहाँ पे अब आगे हम जो अगला वर्ड लगाएंगे इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं आवर टीम के जगह पे,
सोचिए। आवर टीम कौन कौन प्रोनाउन यूज होगा आवर टीम के जगह पे? इट्स हाँ इट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, माय टीम बोल सकते हैं, माय टीम, मेरा, मेरी टीम, माय हाँ टीम। ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, उस पर आगे आएंगे प्रोनाउन वाले में। अब यहाँ पे आर है तो सीधे संबंध में आ गया ना कि यहाँ पे प्लुरल के जी तौर पे यूज है। अगला देखिए, देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। फिशेज नहीं कहेंगे, यहीं पे ध्यान फिश, रखिएगा, फिश जो है वो हमेशा सिंगुलर में भी फिश होगा और प्लुरल में भी फिश ही रहेगा, ठीक है। अच्छा टू है, दो फिश। अब यहां पे देखिए, देयर आर मेनी फिश फिशेज इन द एक्वेरियम। फिशेज का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों के फिश। अब यहां पे देखिए, फिशेज तो आया लेकिन हम फिश को फिशेज नहीं, यहां मानो फिशेज जब आया तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि एक से ज्यादा प्रकार की फिशेज यहां पे, यानी जब यार विभिन्न प्रजातियों की बात हो गई, एक ही प्रजाति के लिए अगर है, जैसे यहां पे टू फिश है तो यहां तो एक से ज्यादा है ना, जी तो यहां तो फिशेज होना चाहिए था लेकिन फिशेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब दो फिश है लेकिन सेम है, जैसे रोहू है तो ये भी रोहू ही है, दो मछलियां हैं, दो मछली है ना, तो जब सेम प्रजाति के रहे तो हम फिश ही करेंगे। लेकिन यहां पे अगले सेंटेंस में देखिए, देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? एक शीशे का देखते होंगे, किसी बड़े मॉल वगैरह में जाते होंगे या एक्वेरियम डॉक्टर वगैरह के यहाँ, तो उसमें पत्थर वगैरह रखा रहता है, ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है, मछलियां ढेर सारी ऐसे ऐसे रहती तैरती हुई, एक्वेरियम है वो। यानी कि एक बनावटी इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है कि वैसे ही एक पॉन्ड की तरह एक्वेरियम हुआ, तो उसमें कह रहा है ढेर सारी मछलियां हैं। तो यहाँ पे फिशेज का अर्थ क्या है? देखिए, जो भी मछलियां हैं वो अलग अलग प्रजाति की हैं, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जब सर। प्रजाति डिफरेंट हो, स्पीसीज डिफरेंट हो जाए। अच्छा, स्पीसीज का यहाँ पे प्रजाति, नहीं है यहाँ पे अलग अलग फिश प्रजाति है, का, समझ गया, स्पेसीज को प्रजाति कहेंगे, प्रजाति, यहाँ आ गया ना? प्रजाति हाँ प्रजाति। हाँ वही कह रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर सिक्स देखिए अब क्या है। हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लुरल फॉर्म में नहीं होता। हाइफिनेटेड मतलब क्या हुआ? देखिए आप, ये भी पहली बार में पढ़ रहा हूं, हाइफन मतलब जिसमें हाइफन लगा हो, पढ़ने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाइफन समझ रहे हैं क्या होता है? योजक चिन्ह भैया, योजक योजक चिन्ह, डैश वाला, चिन्ह दिन रात में लिखते हैं ना, दिन के बाद रात। डैश देके रात, वही हाइफन हो गया, हाइफन उसी को योजक चिन्ह को कह दिए, ठीक है। देखो समाज में जैसे वो कौन से इसमें लगता था, दिन द्वंद रात, में, द्वंद हाँ, में, द्वंद द्वंद, में, द्वंद में, द्वंद में लगता था। द्वंद की पहचान है। रुखसार जी क्लियर हो हाँ रहा है द्वंद की आपको? पहचान। हाँ किसी से सर, क्लियर ना हो बताइएगा। हाइफेनेटेड नाउन समझ रहे हैं ना, जिसके नाउन के बीच में ऐसे डैश लगे, योजक चिन्ह वाला, दिन रात के बीच में जैसे डैश लगा था, जैसे यहां देखिए, हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लुरल में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जिस नाउन में भी वो डैश लगा होगा वो हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, प्लुरल में यूज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू नहीं रूल। अब इसमें कहेंगे क्यों नहीं होगा, इसका जवाब नहीं, ये रूल है बस, इसको आपको समझना है, याद करना है। ठीक वैसे ही जैसे ए के बाद ही बी, बी क्यों आता है, बी के बाद सी क्यों आता है, कोई लॉजिक नहीं है, बस है रूल है। इसी तरीके से ही गेव मी इसमें सर, टू, हाँ इसमें पहला वर्ड जो होता है सर मेन होता है। देखिए, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। रुपीज को रुपी में परिवर्तित करें। अब देखिए यहां पे, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। अब यहां पे क्या हो जाएगा? रुपी होगा इसका। ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, बात समझ रहे हैं? यहां पे नोट्स, नोट की संख्या एक से ज्यादा है, ठीक है, तो रुपीस लेकिन हाँ लगा, हाँ लेकिन ये जो यहाँ पे है 100 रुपीज, यहाँ पे 100 रुपी होगा, वही लिख रहा है यहाँ पे, रुपीज को रुपी में परिवर्तित करना है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हाइफनेटेड नाउन तो यही है, बीच में हाइफन लगा है ना यहाँ पे, ये डैश वाला, तो ये प्लुरल में प्रयोग इसका नहीं होगा। सही इसका क्या हो जाएगा? ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। नोट नोट्स ने नोट्स एक से ज्यादा नोट दिया उसने, लेकिन 200 रुपए जी वाले जी एक से ज्यादा नोट दे रहा है, ठीक है, अच्छा तो 200 रुपी। जी
नोट्स, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, क्या लग रहा है सुनने से भी आपको पता चल गया होगा। हाँ स्टार्स स्टार्स नहीं होगा स्टार्स, क्योंकि यहाँ पे हाइफन लगा स्टार्स है और हाइफनेटेड नाउन क्या होता है हमेशा सिंगुलर सिंगुलर होगा, तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा? इसमें सही होगा ही स्टे इन 5 स्टार होटल्स। हाँ 5 स्टार होटल्स, वह 5 सितारा होटलों होटल में निवास करता है। ऐसा नहीं कहेंगे वह 5 सितारे होटल में निवास करता है, पांच सितारा, तारा ठीक है, 5 स्टार होटल्स, होटल्स अपने जगह पे सही रहेगा क्योंकि एक से ज्यादा होटल में वो रह रहा है ना 5 स्टार वाले, लेकिन यहाँ पे 5 स्टार होगा। क्लियर है? जी। ये स्टेज भी, ये भी चेंज होगा क्या? स्टे हो जाएगा, कौन सा? स्टेज स्टेज ही रहेगा, ही स्टेज। अरे ही के साथ तो अच्छा स्टेज लगेगा ही ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एस आई एस का अच्छा प्रयोग जी होता है। जी ही जी स्टेज वो सही है, आई स्टे, यू जी ठीक स्टे, वी स्टे, दे स्टे, लेकिन ही जी स्टेज, राम स्टेज, सी स्टेज। जी क्लियर है? वह जी रुकता है, वह रुकता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? जी नहीं ठीक है, टाइम ओवर होने वाला है ये, इसको मैं एंड करता हूँ, फिर से इसी लिंक पे आप दोबारा से ज्वाइन करिएगा 5 मिनट के अंदर फिर ठीक से, ठीक है? जी चलिए, और मैं भी जल्द से ज्वाइन हो रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन करिए नए